मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3 का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आपके पास गिवन है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। सबसे पहले बच्चों हम लोग इस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी समझने के बाद ही अदर प्रॉपर्टीज हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमको कोई मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट से हमने एक मैट्रिक्स एज्यूम कर ली, उसका नाम है ए। अब हम उस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। दिस इज ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। तो बच्चों ये हमने एक मैट्रिक्स ए को एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब बच्चों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, तो हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी लिखेंगे। और हमने क्या बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट लेते हैं तो हम हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, उससे जो मैट्रिक्स बनेगी हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो सी वन ए वन वन का बच्चों होगा सी वन वन, ए वन टू का होगा सी वन टू, ए वन थ्री का होगा सी वन थ्री, ठीक है, ए टू वन का होगा सी टू वन, ए टू टू का होगा सी टू टू, ठीक है, और ए टू थ्री का होगा सी टू थ्री, ए थ्री वन का होगा सी थ्री वन, ए थ्री टू का होगा सी थ्री टू, और ए थ्री थ्री का होगा सी थ्री थ्री। अब बच्चों ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनी है, हमें उसका ट्रांसपोज लेंगे, तब जाके आपके पास एडजॉइंट आएगा। तो बच्चों हम लोग ट्रांसपोज लेके ही लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमारा एडजॉइंट आ गया सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री, सी टू वन, सी टू टू, सी टू थ्री, जस्ट वेट, सी थ्री वन, सी थ्री टू, सी थ्री थ्री, ये बच्चों आ। तो बच्चों को प्रॉपर्टी क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चों ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब बच्चों हम थोड़ा सा समय बचाने के लिए ये आपकी मैट्रिक्स है ए, इसको कॉपी करके दोबारा यहां लिख देते हैं, ये होगी आपकी मैट्रिक्स ए, ठीक। फिर हम अपना समय बचाने के लिए दूसरी मैट्रिक्स को कॉपी करके लिख देते हैं, ठीक, ये दूसरी मैट्रिक्स कर दी। अब हमको क्या करना है, इनको बच्चों आपस में मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो बच्चों चलो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं जो प्रॉपर्टी है वो सही है कि गलत है। चलिए देखिए, सबसे पहले बच्चों ये तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद सिमिलरली करके ओवर कर देंगे। स्टार्ट करिए, ए वन वन सी वन वन प्लस ए वन टू सी वन टू प्लस ए वन थ्री सी वन थ्री, क्या आया। तो बच्चों आपको पता होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो तभी इवेल्युएट होता है जब हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और सबको सम कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये तो जो है ये क्या है, ये मैट्रिक्स का क्या है, डिटर्मिनेंट है। ये बात सबको क्लियर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट बच्चों आपने क्रॉस प्रोडक्ट में भी तो निकालते हैं। अब चलो बच्चों फिर से मल्टीप्लाई करो, ए वन वन सी टू वन, ए वन टू सी टू टू, ए वन थ्री, जरा बच्चों सही से बताइएगा, ए वन टू सी टू टू, उसके बाद ए वन थ्री सी टू थ्री। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस वाले एलिमेंट को पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर बच्चों मैंने इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो बच्चों फिर से करिए, जरा फिर से करिए, आगे स्पेस कम है तो मैं लिख देता हूं नीचे से थोड़ा करके, ए वन वन सी थ्री वन, ए वन टू सी थ्री टू, ए वन थ्री सी थ्री थ्री। ये बच्चों समझ में आया, प्रोसेस सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का है। और बच्चों आपको ये बात पता है, अब मैं लिखूंगा नहीं इसमें, अगर एलिमेंट्स अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से न मल्टीप्लाई होकर किसी और रो या किसी और कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं उनके कोफैक्टर से, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, जीरो। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू यहां से यहां तक टेंड करेगी किसकी तरफ, जीरो की तरफ। ये भी वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगी, जीरो की तरफ। और ये बच्चों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, तो हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे। अब बच्चों वैसे ही आप ये वाले एलिमेंट्स हर कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर रिजल्ट बच्चों क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। लेकिन बच्चों जैसे ही आप ये वाले एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करोगे
कॉरेस्पॉन्डिंग ए टू वन सी टू वन, ए टू टू सी टू टू, ए टू थ्री सी टू थ्री, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और उसके बाद बच्चों फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जीरो, फिर बच्चों यहाँ बनेगा जीरो, फिर यहाँ बनेगा जीरो, फिर यहाँ बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों आपके पास एक क्या क्रिएट हो गया, आपके पास क्रिएट हो गया एक डिटर्मिनेंट जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स क्रिएट हुई है जिसमें लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बाकी हर जगह बच्चों क्या है, ध्यान से देखो जीरो जीरो आ गया है। तो बच्चों अगर हम इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों ये कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तो है नहीं, और अगर आपको ये प्रॉपर्टी आ गई तो समझ लीजिए बाकी प्रॉपर्टी आप बिना प्रूफ किए ही कर लेंगे। तो बच्चों ये आई भी लिखते हैं और उसको हम आई थ्री भी लिख सकते हैं क्योंकि थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है। तो बच्चों आप याद रखिएगा कि चाहे आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करिए, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करिए, है ना, ये किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। तो बच्चों ये तो प्रॉपर्टी, ये कह रहा प्रूफ करो, अभी तो मैंने आपको नंबर्स में प्रूफ करके दिए, अब मैं न्यूमेरिकल में करके देता हूं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। बच्चों मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो सभी लोग निकाल लेते हैं लेकिन निकालने में टाइम काफी लगता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि जल्दी कैसे निकालते हैं। सर ये मैं निकाल कि आप बताएंगे, एक मिनट वेट करो। तो तुम एडजॉइंट बच्चों समझ लो कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एकदम मशीन की तरह काम करते हैं। सबसे पहले ऐसे लिखते हैं सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री, सी टू वन, सी टू टू, सी टू थ्री, सी थ्री वन, सी थ्री टू, सी थ्री थ्री। अब बच्चों इक्वल का साइन लगाते चले जाएंगे। बच्चों ये काम काफी स्पीड में आप करेंगे, और बाहर क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। बिल्कुल बच्चों मशीन की तरह इसमें काम करना होता है प्रोसेस आसान, क्योंकि बाहर होता है माइनस वन की पावर रो प्लस कॉलम, तो वन प्लस वन टू होके इसको इवन बना देगा। अब बच्चों आप लिखते चले जाइए, सबसे पहले क्या आएगा थ्री माइनस जीरो, तो बच्चों कितना आ गया थ्री। फिर बच्चों क्या आएगा टू प्लस टेन यानी कि माइनस ट्वेल्व। फिर बच्चों क्या आएगा जीरो प्लस सिक्स यानी कि सिक्स, तो सिक्स आ गया। फिर बच्चों क्या आएगा माइनस वन जीरो, तो बच्चों ये वन हो जाएगा। फिर बच्चों ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा वन प्लस फोर यानी कि फाइव हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा, फिर से देखो बच्चों। मेरे ख्याल से बच्चों इसी तरह से आपको निकालना होता है, जब आप निकालेंगे तो आप इसको सीख जाएंगे। तो बच्चों फिर से निकालते हैं, जीरो माइनस टू यानी कि माइनस टू यानी कि टू। फिर से निकालते हैं माइनस फाइव माइनस सिक्स यानी कितना हो गया माइनस इलेवन। फिर से निकालते हैं फाइव माइनस फोर, फाइव माइनस फोर कितना हुआ वन यानी माइनस वन। फिर उसके बाद आ गया थ्री प्लस टू, ठीक है ये हो गया फाइव। अब बच्चों उसका आप क्या बना देंगे एडजॉइंट। तो बच्चों यहां से आपका डाउट क्लियर हो गया, निकाले हमने हॉरिजॉन्टल थे लिखेंगे वर्टिकल, वर्टिकल तो आपका डायरेक्टली वो क्या बन जाएगा एडजॉइंट। समझ में आ गया एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। और बच्चों एडजॉइंट से इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो बच्चों आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे ना तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आप निकाल ही लेते हैं और बाकी आप इसको प्रूफ कर लेंगे। तो एडजॉइंट ए लेना आ गया, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको आप कंप्लीट करिए और चेक करिए जरा।